पाक फौज ने अपने ज़मीनी दस्ते स्वात रवाना कर दिए हैं। दहशतगर्दों से फैसला कुन मार्के का फैसला, स्वात के अवाम पर होने वाली दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक फौज का एक डिवीज़न स्वात पहुंच गया है। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होने वाली इस कार्रवाई को ऑपरेशन राह रास्त का नाम दिया गया है। ये अपने साहबजादे की क्या इतला है? शायद वो तो गुजरांवाला में है ना? नहीं, आतिफ भी वहाँ पहुँच गया है अपनी यूनिट के साथ। वाह भाई वाह, अब हमारा भतीजा हमें खबरें सुनाएगा और हम उन्हें छापेंगे। बस यार दुआ करो उनकी कामयाबी की खबरें मिलती रहे। आमीन। आसिफ भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि स्वात के साथ क्या किया है इन लोगों ने। इस जन्नत को जन्नत के नाम पर दोजख बनाने वालों पर खून खोल रहा है। मगर पहले मैं आप सबकी हैरत दूर कर दूं कि मैं जो दो तीन दिन पहले गुजरांवाला के स्विमिंग के मुकाबलों में शरीक था, अचानक स्वात कैसे चला गया। मेरी यूनिट की मूव तो मुतवक्को थी मगर इतनी जल्दी भी नहीं। यहाँ के हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि हमारी पूरी फॉर्मेशन को 24 आवर्स के नोटिस पर मूव करना पड़ा। मैंने कन्वॉय रास्ते में ही ज्वाइन किया। इस बार दुश्मन ने नई चाल चली, वो हमारे ही मजहब का लिबादा ओढ़कर हमारे सरहदों के अंदर घुस आया है। हमारे ही लोगों को खरीद कर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। जो लोग गलतफहमी में इनके लिए जरा सी भी हमदर्दी रखते थे, इन्हें मैं क्या बताऊं कि वो दरिंदों से भी गए गुजरे हैं। इसलिए ये जंग सरहदों पर लड़ने वाली जंग से ज्यादा मुश्किल, सख्त और जरूरी है। खैर, ये तफसील फिर कभी से ही। जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपने घर वालों को तसल्ली देनी है। सबसे पहले अम्मा से आपको कहना पड़ेगा कि इधर सब खैरियत है। आपने अम्मा को बहुत तसल्ली देनी है और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करवानी हैं, और उनसे कहना है कि माएँ अपने बच्चों की ज़िंदगी की दुआएं करती हैं मगर एक सिपाही की माँ को अपने बेटे की फतह और कामयाबी की दुआ करनी चाहिए, इसकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, तू मेरे बेटे को अपने हिफ्ज व अमान में रख, उसको फतह और कामयाबी अता फरमा। सर्च ऑपरेशन के दौरान चोपड़याल, पियोचार और विनाय में जेर जमीन खुफिया सुरंगें मिली। जंगजू सिक्योरिटी फोर्सेस को आसानी और दादी जान को तो आपने बिल्कुल नहीं बताना कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। आप उनसे कहना कि आतिफ किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में स्वात गया है। इंतजाम किया गया था दरख्तों और कुदरती झाड़ियों की वजह। नालायक कहेगा, इस पर आएगा तो ऐसे कान खींचूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे तो वो ऐसी वैसी मामूली औरत समझता है ना। मैं सोना खान बाबर की बीवी हूँ जिसे ये अखबार वाले सीखने आते हैं कि खबर बनती कैसे है। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त स्वात में
ایک ایسے دشمن سے نبرد آزما ہے جس کی کوئی سرحد نہیں اور وہ سوات میں ہر گھر کو مورچہ بنا کر لڑ رہا ہے. اسی لیے یہ جنگ ملکی تاریخ کی مشکل ترین لڑائی ہے. جب دشمن آپ کے قومی لباس اور مذہبی حلیے میں خود کو چھپا کر آپ پر کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. اکبر اے اکبر دیکھا ادھر پانی ٹوٹ رہا ہے, یہ پودے عاطف نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے. پچھلی دفعہ جب چھٹیوں میں آیا تھا تو یہ پودے اس نے خود اپنے ہاتھ سے لگائے تھے. ہاں یاد آیا, اس کو بھی خط لکھنا ہے. سیدھا سادہ بھولا بھالا ہے, ایسے ہی ہر کسی کو جفیاں ڈالتا رہتا ہے, اسے اپنا خیال رکھنا چاہیے. ہاں تو کیا لکھا ہے؟ دادا جان, میں سوات میں بیٹھ کر ان کھیتوں کی حفاظت کر رہا ہوں جن میں میں اور آپ ہار ڈالے گھوما کرتے تھے, کیونکہ اگر آج ہم نے دشمن کو سوات میں نہیں روکا تو کل وہ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچ جائے گا, سونا خان بابر کے ڈیرے تک. سوات میں مٹا کے مقام پر واقع آرمی کے کیمپ پر دہشت گردوں نے راکٹوں اور بھاری اسلحے سے اچانک حملہ کر دیا. پاک آرمی کے جوانوں نے اس حملے کا بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا. کہا جاتا ہے کہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ارد گرد کے علاقے لرز اٹھے. اس حملے کے نتیجے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے. سے ہوگا نا. تمہارا بچہ بچہ نہیں ہے, اب بہت بڑا ہو گیا وہ. آصف تو میری اس سے بات کرا, مجھے بات کرنی ہے اس سے. تھوڑی دیر رکھو, ابھی میں نے فون کیا تھا, وہ ضروری میٹنگ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مٹا کے علاقے میں یہ ایک اہم چوٹی ناجیا ٹاپ ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے. اسی کے نارتھ ایسٹ میں تقریباً 44 ڈگری پر ایک اور ہائٹ ہے, عثمان ٹاپ اسکوئر 1025, جس پر دہشت گردوں نے کچھ پوزیشنیں بنائی ہوئی ہیں. اسی جگہ سے یہ لوگ اس ٹاپ کی بیس میں لوکیٹڈ امام ڈیری کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جو کہ ان کا ایک بہت اہم کمیونیکیشن سینٹر ہے. امام ڈیری پر ہماری کمپنی جو آپریشن کر رہی ہے, اس کے فیز ون میں ہماری پلاٹون نے عثمان ٹاپ کو کلیئر کرنا ہے. اب پلان یہ ہے. اکیڈمی سے نکل کر سیدھا میدان جنگ ایک سپاہی کی خوش قسمتی ہوتی ہے, اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے اتنے بڑے مشن پر بھیجا جا رہا ہے. اب غازی یا شہید, دونوں میں سرخروہی اور کامیابی ہے, مگر غازی وہی بنتے ہیں جو شہادت کی تیاری کر کے نکلتے ہیں, اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو بھی تیار کر رہا ہوں. اب آپ نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو آپ نے اماں سے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولنا ہے میرے لیے. ان سے کہنا ہے کہ میں 3-4 دنوں کے لیے ایک ٹریننگ کے سلسلے میں کہیں مصروف رہوں گا, تو اس دوران میرا موبائل بند رہے گا. اور دوسرا کام یہ کہ آپ نے اپنا موبائل ان 3-4 دنوں تک مسلسل آن رکھنا ہے.
हर वक्त खुद ही बात करता रहता है भाई से, मेरी भी बात करा चल। अम्मा वो उसके मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं ना, वो सवाद से बाहर जा रहा है किसी ट्रेनिंग वगैरह पर, अब दो तीन दिन तक बात नहीं हो सकेगी। दो तीन दिन तक? लेकिन कल उसकी सालगिरह है आसिफ, क्या मैं उससे कल भी बात नहीं कर सकूँगी? अम्मा अम्मा मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, जैसे ही फ़ोन मिलता है मैं आपकी बात करवा देता हूँ उससे। काटे आज आतिफ की सालगिरह है, केक तो कटेगा लेकिन ये शमें नहीं बुझेंगी। आपके सामने दो मोर्चे हैं, आपने दाएं वाले मोर्चे पे अटैक करना है, बहुत एहतियात से मूव करें, क्या समझ गया? हुआ बिल्कुल ओवर। 245 नथिंग मोर आउट। उदास क्यों होती हो? जब से आतिफ एकेडमी गया है उसने कोई सालगिरह भी तो हमारे साथ नहीं मनाई। उसने झूठ बोला है मुझसे, किसी ट्रेनिंग पे नहीं गया वो। अच्छा ट्रेनिंग पे ना सही, किसी महास पे होगा। तुम्हें तो सुकून से सोना चाहिए कि तुम्हारे बेटे की वजह से पूरी कौम सुकून की नींद सो रही है। सर ये अब क्या करे या ना करे? मैंने बहुत आगे जाना है इसलिए वजन हल्का कर रहा हूँ। उन लोगों ने डंडे नहीं उठाए, उनके पास हथियार है। जो गोली किस्मत में लिखी है उसे बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं रोक सकती। तू बस मुझे कवर फायर दे। यस सर। लो केक काटो। इजाजत है भाई? लो जी। Thank you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to us. वालेकुम सलाम। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सीडेड। हैली तैयार है, जाओ अपने दोस्त के आखिरी सफर में उसके साथ रहो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। शहीदों के लिए रोया नहीं करते सर? मैं अपने लिए रो रहा हूँ सर। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन वो अकेला चले गया सर।
क्या नाम है तेरा? आतिफ। और तेरा? मैं ज़ीशान, साथ वाले गांव में रहता हूँ। चलो ठीक होगी तेरी फिर। अस्सलामुअलैकुम भाई, हम दोनों ने टेस्ट क्लियर कर लिया। वेरी नाइस यार, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। मेरी तरफ से आतिफ को भी मुबारकबाद कह दूँ। लेकिन याद रखो, ये ISSB का टेस्ट इतना आसान टेस्ट नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है भाई, ठीक है। ओके देन, खुदा हाफिज़ भाई। भाई क्या कह रहे थे? उनको लगता है कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा नॉन सीरियस हैं, सारा दिन गलियों में आवारागर्दी तो कर सकते हैं पर फौज में कमीशन नहीं ले सकते। अच्छा, अब तो करके दिखाना है। क्या सोच रहा है यार? मैं सोच रहा हूं अगर हम रिजेक्ट हो गए तो। ऐसा क्यों सोच रहा है यार? मैं तो आर्मी के सिवा और कहीं जाने का सोच भी नहीं सकता। हाँ तो मैं क्या फिल्मों में जाना चाहता हूं? मैं भी तो तेरे साथ ही बचपन से ही फौजी बनने के ख्वाब देखता रहा हूं। माँ को दुआ का बोला था तूने? मुझे याद ही नहीं रहा यार। माँ को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा दुआएं करती रहती है। हाँ, तू तो बड़ा समझदार हो गया। अम्मा, बहुत बुरा हुआ, अम्मा बहुत बुरा हुआ। अरे अरे, क्या हो गया बेटा? ऐसी कौन सी बात है? अम्मा, अब इधर के नदी नाले मैदान सब वीरान हो जाएंगे अम्मा। क्यों? क्योंकि अब आपके दो शहजादे यहाँ से उड़कर आर्मी एकेडमी जा रहे हैं। ये देखें, ये आपके बेटे का एक्सेप्टेंस लेटर। सारी चीजें रख दी ना? जी बाबा, मैंने रख दी सारी चीजें। उसकी वो फेवरेट शर्ट भी रख दी। वेरी गुड, शाबाश। मैं आपको मिस करूंगा अम्मा, बहुत 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 ज्यादा। मैं भी तेरे लिए बहुत 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 दुआ करूंगी बेटा। जा, अल्लाह के हवाले। सुना है कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं, सख्तियां नहीं बर्दाश्त कर सकते वहां की। अगर तुम वहां से भाग कर आए तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा। ये सोना खान का पोता है कयूम, पीठ दिखाना इसके खून में है ही नहीं। ये कामयाब होकर लौटेगा। Oh, 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 oh
आतिफ तुमसे बाजी ले गया ज़ीशान बेटा, ये रुतबे ऐसे ही नहीं मिल जाते माँ, माओं की दुआएं चाहिए होती हैं इनके लिए। आप मेरे लिए दुआ करेंगे ना? भाई, मेरी पोस्टिंग जनूबी वजीरिस्तान में हुई है। इस पोस्ट का मकसद दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर नजर रखना और उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करना है। यहां की जिंदगी में कभी खामोशी और कभी इंतहा की खामोशी, इतनी खामोशी कि आपको पत्थरों और पहाड़ों की भी बोलने की आवाज सुनाई दे, और फिर अचानक से शोर उठता है, आरपीजीज, मार्टर्स और मशीन गनों का शोर। यहां पर हर रंग खूबसूरत है, सुबह का रंग, शाम का रंग, रात का रंग, धूप, बादल, बारिश और हवा, सबके अपने अपने रंग हैं, जो शहर के धुएं में एक जैसे नजर आते हैं। अगर ये सारे खूबसूरत रंग उस वक्त खून में नहा जाते हैं जब खुदा का नाम लेने वाले ये काफिर से भी बदतर लोग अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहाते हैं, मुझे इसके सिवा इसका और कोई मकसद नजर नहीं आता कि इन्हें इस काम का मुआवजा मिलता है। मुझे हैरत होती है कि इतनी खूबसूरत खामोशी में जहां अंधे को भी खुदा नजर आ जाए, वहां इन बदबख्तों को खुदा क्यों नहीं नजर आता, जो सुबह शाम खुदा के आगे माथा टेकते हैं और सर उठाकर खुदा की जमीन पर फसाद फैलाते हैं। क्या करते हो ज़ीशी? अपना ख्याल रखा करो, ऐसा मत किया करो यार। रेहान भाई, ये कोई ड्राइविंग तो नहीं कि मैं अपनी स्पीड कम कर दूं? सीट बेल्ट बांध के बैठ जाऊं, ओवरटेकिंग ना करूं ताकि एक्सीडेंट ना हो? तुम नहीं समझोगे यार। मैं समझ गया हूं रेहान भाई, सब समझ गया हूं। वो आतिफ आते हैं ना हर रोज मेरे पास उस पहाड़ की चोटी पर, समझा दिया उसने मुझे कि हम सिपाहियों की जिंदगी का मकसद क्या है। बता दिया उसने कि हमारी मंजिल क्या है। हेलो 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 हेलो। अच्छा रेहान भाई, वो लेफ्टिनेंट आसिफ की घड़ी मैंने आपके पास रखवाई थी, तो वो उसे लौटा देना प्लीज़, बहुत प्यारी है, उसे किसी ने गिफ्ट दी थी। हाँ हाँ, रखी हुई है यार, खुद ही आगे लौटा देना। ओके हाँ।
کل ہم بچہ بی بی کے علاقے میں ایک کانوائے بھیج رہے ہیں جو کہ فٹ کالم کی پروٹیکشن میں موو کرے گا. لیفٹنٹ زیشان, آپ ایک پلٹون مائنس سائز کی فورس کے ساتھ یہ رسپانسبلٹی پوری کریں گے. اس علاقے میں ٹیررسٹ کمانڈر گل بہادر خان کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے. جگہ جگہ ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پر ان کی پوزیشنز ہو سکتی ہیں. موو فرسٹ لائٹ پہ ہوگی اور ساری موو دن کے وقت ہی ہوگی, کیونکہ رات کے وقت یہ علاقے, یہاں کے راستے ہم لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. سو بیسٹ آف لک. One Alpha for two. One Alpha for two. Area up to Charlie Papa 1025 clear. Over. I repeat, there is a resistance here. We are being fired from the front. Over. 241 Alpha, roger. Keep informing me about the situation. Yes, sir. One Alpha for two. Over. Sir, we have cleared the area and are now moving forward. So you stay there till I ask you to move, sir. 241 Alpha. Be careful. Roger out.
आपका सेक्शन मेरे सेक्शन से 200 गज पीछे मूव करेगा राइट साइड पे। वो लोग पीछे निकल गए हैं, लगता है उनकी पोजीशन उधर ही होगी। ओके सर। बाबा दूबीन दो। जारी रखो, मैं आगे निकल रहा हूं।
अपना सूरज नया फिर बना।